ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में अपने निजी कार्य से पहुंचे ठाकुर कोल सिंह का सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा ने केवल डिटेक्टर शाही ही की है और केवल जुमलों की पार्टी रही है। उन्होंने देशवासियों को केवल वायदों के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए समूचा भारत उनकी वास्तविकता से परिचित हो चुका है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। सोलन में अपने निजी कार्य से पहुंचे ठाकुर कोल सिंह का सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा ने केवल डिक्टेटर शाही की है और साथ में केवल वे जुमलों की पार्टी रही है और उन्होंने देशवासियों को केवल वायदों के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए समूचा भारत उनकी वास्तविकता से परिचित हो चुका है और वह इनके झांसे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट से उनका प्रत्याशी धनीराम सौंडिल जनता से जुड़ा है और वह लोगों की समस्याओं को जानता है, इसके लिए उसकी जीत निश्चित है। सोलन में पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कोल सिंह ने भाजपा को गिरते हुए कहा कि उनका प्रत्याशी धनीराम सौंडिल सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि उनका प्रत्याशी जनता से जुड़ा है और मंत्री होते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है। वे धर्मनिरपेक्ष हैं और जातिवाद से ऊपर की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि धनीराम सौंडिल अपने क्षेत्रवासियों से भलीभांति परिचित हैं, इसलिए सौंडिल की जीत निश्चित है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सुरेश कश्यप जो है उनके खिलाफ भी कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से वो संबंधित है, यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक पार्टियों के बीच की लड़ाई है। लोकतंत्र बनाम जो है ये डिक्टेटरशाही की लड़ाई है, तो इसलिए जो हमारा कैंडिडेट है उससे बेटर है, क्योंकि पहली बार दो बार सांसद रह चुका है, यहाँ मंत्री रह चुका है, बतौर मंत्री अच्छा काम किया है, उनकी छवि बहुत अच्छी है, आज विधायक है वो भी और पूरे चुनाव क्षेत्र को वो अच्छी तरह जानते हैं, हर व्यक्ति के साथ उनके एक संबंध रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष है, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमेशा उन्होंने काम किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार जो है वो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है और निश्चित तौर पर जीतेगा।